بسم الله الرحمن الرحيم ये वीडियो के जरिए हम किसी का दिल या किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो बस इतनी कोशिश करते हैं कि हर इंसान को हकीकत का पता चले। ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए सही या गलत। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पर इन सलाम मैं भी यकीन आपकी दुआ इनके कल्ब का सुकून है, इनके कल्ब का यकीन आपकी दुआ, रसूल की दुआ। अरे जब रसूल की दुआ वसीला बन सकती है तो रात क्यों नहीं? ये रसूल की दुआ है क्या? आए कहता हूँ भाई, घबरात नहीं है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है रसूल की दुआ को पता चला। रसूल की दुआ है वसीला। जब रसूल की दुआ वसीला बन सकती है तो फिर जात क्यों नहीं? पता चला जो रसूल को वसीला नहीं बनाता, ईमान से बता कुरान को वो मानता है या हम मानते हैं? हम रसूल की जिंदगी के कायल, रसूल के वसीले के कायल, इस्मत के कायल, देखा तो नहीं है? तू मेरे अभी तक शुरू नहीं की? सबकी मर्जी है कि मैं आगे चलूँ, तकरीर शुरू करूँ? मैं क्या, हम शीरा हो, हमारा शीरा के रसूल, हम जैसा नहीं, हम जैसा नहीं। कायनात बनी है रसूल के लिए। ये फिर कहता हूँ कुरान की तरफ, ये अल्फाज है कुरान की सूरत बकर के, फतलका आदम मैं रब ही कलमात, आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ नाम सीखे, आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ नाम सीखे। फताबल फिर अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, इन्नहु हुवा तवाब रहीम, यकीनन खुदा तवाब है, यकीनन खुदा रहीम है। ये कौन से नाम थे जिनकी वजह से अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की? ये कौन से नाम थे? मैं कहता हूँ गुफ्तगू तमाम मुसलमान के लिए हुआ, भाई गुफ्तगू है, तमाम मुसलमान भाई ने तमाम कुरैशवार को तस्लीम किया के अपने पास ने पूछा रसूल से, साल तो रसूल अल्लाह अनिल कलमात लती तलक्का आदम मेरा भी, जनाब मेरे पास यार सुना, वो कौन से कलमात थे जो आदम ने खुदा से सीखे थे जिनकी वजह से अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की? काल साल बेहक मोहम्मद वालीगन व फातिमा बल हसन बल हुसैन का आदम ने दुआ मांगी, आला तुझे वास्ता है मोहम्मद का। ये है तफसीर दुरे मंसूर जुल्द पहली, मोहम्मद वालीन व फातिमा बल हसन बल हुसैन, यह अलग वास्ता है मोहम्मद का, अली का, हसन का, हुसैन का, फातिमा का। फताब अल अल्लाह ने आदम की तौबा को कबूल किया, इन्ना हुआ तवाब रहीम, यकीन खुदा तवाब है, यकीन खुदा रहीम है। पता चला आदम ने वसीला बनाया था पंतने पाक को। पता चला हमारा बाबा आदम पंचतन था। मेरे खामोश भाई समझ रहे, पता चला हमारा बाबा आदम पंतनी था। या तो आदम को बाबा कहना छोड़ दो, या तो आदम की औलाद कहलवाना छोड़ दो, और अगर वाकई आदम की औलाद हो तो रात में अली अली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नारा लगाएंगे कमर से, नारा है अदरी। पता चला हमारा बाबा, क्या बात, पता चला हमारा बाबा आदम पंतनी था, हमारा बाबा आदम पंतनी था, हमारा बाबा आदम पंतनी था। अगर वाकई हम आदम की औलाद हैं, या तो कहो कि हम आदम की औलाद नहीं है, और अगर हम आदम की औलाद है तो फिर पंचतन ही बनना पड़ेगा। पता चला शैतान था पंचतन का दुश्मन, शैतान था पंचतनी का दुश्मन, आदम था पंचतनी, शैतान था पंचतनी का दुश्मन। अभी
हफ्ता हफ्ता के करीब आ रहा हूँ। अभी आप आवाज पता चला आदम था पंचतनी। अरे जो पंचतनी का दुश्मन वो तो शैतान है, तो जो पंचतन का दुश्मन होगा वो क्या होगा? बात आ गई समझ दोस्तों। मैं क्या करते ना अभी आदम अभी मुसलमान भाई से पूछो, मुसलमान हो बताओ आदम तो दो थे, आदम अवल आदम थानी, ये दोनों आजकल कहाँ हैं? आदम थानी जनाब नू, आदम अवल हमारा आदम रहा बाबा आदम, आदम थानी जनाब नू आजकल ये कहाँ हैं? आओ मैं आपको लेके चलूँ नजब। ये तो दोनों अरे उन्होंने कहा हम तो मरने के बाद अली को नहीं छोड़ा। अगर अली अली करना बिदत है, नारा है अली, नारा है अली, अली अली क्या हमारे दो आदम आदम है आदम सानी आज भी वो उन्होंने तो हमें बताया देखो अगर हमारी औलाद हो तो हमने मरने के बाद भी अली को नहीं छोड़ा। हमने तो मरने के बाद भी अली को नहीं छोड़ा। देखिए तवज्जो जहाँ जहाँ मेरे आवाज़ तमाम मुसलमान भाई चली क्यों मैंने कहा ये बात फजूल है, पढ़े लिखूंगे नहीं तो बात फजूल है। ये तो बेटा जो आवाम है जो देहात लोग हैं वो मुलाओं के बात में फंस जाते हैं। किस्मत आपका मुला ये कैसे अली अफजल रसूल ये कैसे? एक पूरी जिंदगी एक आदमी नमाज पढ़े वो नमाज भी हो सकता है नमाज नहीं। एक आदमी पूरी जिंदगी नमाज पढ़े वो नमाजी है नमाज नहीं। पूरा साल रोजा रखे वो रोजेदार है रोजा नहीं। सारी जिंदगी हज करे वो हाजी है हज नहीं। सलाम हो आइए ये तफसीर बुरहान के अल्फाज है, तफसीर बुरहान के अल्फाज है। दना बे दाऊद साहबी है हमारे छठे इमाम के, पूछा मौला बताओ तुम हो क्या? आमिर फरमाया नहनु या दाऊद नहनु सलातु फी किताब अल्लाह। ए दाऊद हम अल्लाह के कुरान में अल्लाह की नमाज है, हम अल्लाह कुरान में अल्लाह की नमाज है। नहनु ज़कात हम अल्लाह कुरान में अल्लाह की ज़कात है। नहनु सियाम हम अल्लाह के कलाम में अल्लाह का रोजा है। नहनु हज हम हज है। नहनु कबतुल्लाह नहनु काबतुल्लाह हम काबा है हम किबला है। अरे नमाजी में ऐब हो सकता है नमाज में नहीं? नारा है दरी। नमाजी अबदार हो सकता है नमाजी नहीं। अरे रोजेदार अबदार हो सकता है रोजा नहीं। हाजी में अब हो सकता है हज में नहीं। ये खुद हकीकत है, ये खुद हकीकत है, ये हकीकत है, ये रहमत है। रसूल रहमत है, रसूल रहमत है, बारिश रहमत है, बारिश रहमत है, बारिश रहमत है, बारिश रहमत है। बारिश का कसूर नहीं, बारिश एजत का कसूर है। बारिश जब पौधों पर बढ़ती है तो खुशबू आती है, जब गंदगी पर बढ़ती है तो बदबू आती है। ये बारिश का कसूर नहीं, ये गंदगी के दर्श का कसूर है। जैसा दर्श था वैसे मिला। रसूल भी आलमीन के रहमत है, जैसा दर्श था वैसा ही मिला। कुछ कोई अबू दर बन गया, कोई सलमान बन गया, और कुछ ऐसे गंदे थे जिनको रसूल ने दरबार से निकाल दिया। नारा है दरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी हालत में गौर किया कर
प्लस करके पंजाब बोल के अंग्रेज बीजेपी बोल के पैंतरी सवाल की लड़ो जा रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही। आप हैरान होंगे कि आपके जनरल नॉलेज के आप हैरान होंगे। देखें हमारी ये पाकिस्तान खासकर 1300 वो है मिलिटेंट वो है जो रसूल को नहीं मानता, वो रसूल के जिंदगी के काज नहीं, या रसूल कहने के काज नहीं, रसूल के वसीले के काज नहीं। लेकिन आज ऐसे नहीं, बहुत ऐसे हैं मेरे दोस्तों, ये जो हमारे बरेली हजरात हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ हैं, ये कभी दहशतगर्द नहीं बन सकते, क्योंकि मैं उनके साथ अल्लामा कौसो न्याजी को अल्लाह खैर की रहमत करे, मैं उनके साथ पढ़ता था, अभी भी है डॉक्टर ताहली कादर साहब, हमारे पीर आसिफ शाह गिलानी साहब, गुलाम अहमद गटर साहब, ये अकीदे के बहुत ही अकीदे के खराब वो है जो रसूल को रसूल नहीं समझते, अपने जैसा समझते हैं। रसूल जब तक था अब क्या है, तो कलमा पढ़ना छोड़ दे। दबा दबा करो नारा है दरीन, जब तक था तो कलमा अपने बाप पर पढ़ना, कलमा पढ़ना छोड़ दे, कलमा पढ़ना छोड़ दे। रसूल था है रहेगा, था रहेगा। देखो मशहूर हदीस है तमाम मुसलमानों को भाई कहता हूँ, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, ये ग्रामर होता है, अव्वल मा खलक अल्लाह ये है मुब्तदा, अव्वल मा खलक अल्लाह ये है मुब्तदा, ग्रामर से क्या कहते हैं, अव्वल मा खलक अल्लाह ये क्या है मुब्तदा, नूरी खबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आप सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है। देखे मजलिस सुने इल्मी सुने ताकि आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो और आप अपने दुश्मनों से इल्मी मुकाबला करें। हम लड़ते नहीं, हमारे ऐमान मुकाबला क्या इल्म में। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद है बता रसूलुल्लाह क्या है, रसूल की खबर है, कौन मोहम्मद जो रसूल है, अव्वल मा खलकल्लाह मुब्तदा नूरी खबर, तर्जुमा क्या होगा, तर्जुमा जिसको भी तुम मखलूक समझोगे तो मैं पहले, जिसको भी मखलूक समझोगे तो मैं पहले, जो भी मखलूक 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 मैं पहले, जमीन आसमान मखलूक मैं पहले, क्या सूरज मखलूक मैं पहले, निल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वो है जिसे मौत और हयात को खल किया, मौत मखलूक हयात मखलूक, मखलूक से पहले पता चला मौत न था ये थे, हयात न थी ये थे, मरे वो जो मखलूक के बाद आए, जिंदगी की जरूरत उसे होती है जो जिंदगी के बाद आए, अरे हयात न थी ये थे, मौत न था ये थे। नहीं फिर मुझे मजा नहीं है, फिर मुझे मजा नहीं है, आइए फिर चलता हूँ कुरान की तरफ। देखिए मेरे नौजवान, देखिए चार किताब है आसमान, तौरात इंजील जबूर कुरान, तौरात इंजील जबूर कुरान, तमाम मुसलमान भाइयों के सर पर कुरान रखे कि कहीं इतने तीनों किताबों हैं कहीं तो मुनाफ़खाना है, क्या जनाब इब्राहिम का दुश्मन नहीं था, मूसा का दुश्मन नहीं था, अल्लाह को मुनाफ़िक नहीं कहा, किसी नबी के दुश्मन को अल्लाह ने मुनाफ़िक नहीं कहा, न लफ्ज़े तौरात में लफ्ज़े मुनाफ़िक है, न इंजील में न ज़बूर में, तौरात में लफ्ज़े मुनाफ़िक नहीं आया, इंजील में लफ्ज़े मुनाफ़िक नहीं आया, ज़बूर में लफ्ज़े मुनाफ़िक नहीं आया, ये पूरे कुरान में लफ्ज़े मुनाफ़िक क्यों है, पहले न था कुरान में क्यों आया। नौजवान जो मेरे सामने आप बैठे आप हाथी के गद्दे सुने मुझे, कह सकते मैं क्या कहते, मैं कहा तौरात में लफ्ज़े मुनाफ़िक नहीं है, इंजील में लफ्ज़े मुनाफ़िक नहीं है, ज़बूर में लफ्ज़े मुनाफ़िक, कुरान में क्यों है। जब सहाबे किराम ने रसूल ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या पहले अंबिया के दुश्मन नहीं थे, अरे पूरा कुरान पढ़ लो, अल्लाह ने शैतान को भी मुनाफ़िक नहीं कहा, शैतान मुनाफ़िक काफिर है, मुनाफ़िक नहीं है।
अरे शैतान भी काफिर है, मुनाफिक नहीं है। इस बार मेरे प्यारे साहब मुनाफिक वो है जो मेरे अली से पूछ रखता है। नारा है दरी जाहिर को देखा, हमने बाथरूम पर हमारी नजर पड़ी नहीं, हमने जाहिर को देखा बाथरूम पर नहीं। आज भी सूरत मुनाफिकून मौजूद है, आज भी सूरत मुनाफिकून मौजूद है। और अल्लाह ने सूरत मुनाफिकून के चौथी आयत में इरशाद फरमाया कअन्नहुम खुशबू मुसन्नद, कअन्नहुम खुशबू मुसन्नद। मेरे हबीब आपके दरबार है, आपके दरबार है ये मुनाफिक है। इनकी हालत ऐसी है, इनकी हालत ऐसी है जैसी सूखी लकड़ी की है सर, गिलास। आज मिला खा गए दुर्बल मुदाल मंदिर मिलकर नारा है, दुर्बल मुदाल नारा है जरीन हम खुशबू मुसन्नद। मेरे हबीब ये आपके दरबारी ये मुनाफिक से हैं जिनकी हालत ऐसी है जैसी सूखी लकड़ी को दीवार के साथ लगाया जाए। सूखी लकड़ी को यानी इनमें जिंदगी नहीं है, आए भी रसूल के दरबार में लेकिन उनमें जिंदगी नहीं है क्योंकि मुनाफिक है। पता चला मुनाफिक अगर रसूल की दरबार में भी हो तो जिंदा नहीं। मुनाफ अली का दुश्मन अगर रसूल के दरबार में भी हो तो मैं जिंदगी नहीं। और याला आपने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा का अन्न ये काफ़ है से तशबीह का अन्न हम खुशबू मुसन्नद। मेरे हबीब इन मुनाफ भार देती है जैसे सूखी लकड़ी की वो रखा जाए दीवार के साथ। याला ये सूखी लकड़ी हुआ आवाज दे दो, तुम तो देहात से तरसते हो, सूखी कपड़ी और के लिए काम नहीं आती, ये जलाने के लिए काम आती। ये जो रसूल के दरबारी मुनाफिकन अली के दुश्मन इनका ये भी काम आएंगे दो जख्मे जलाने के लिए। नारा है दरी दोनों हाथ लड़ करके नारा है दरी। देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ मैं आ गया फिर कहता हूँ कुरान की तरफ, अल्लाह ने कुरान मिसालें दी है, इरशाद हो रहा है सूरत। भाई घबरा तो नहीं गए, देखो घबराओगे नहीं तो इंशाल्लाह मैं ज्यादा ही पढ़ूंगा। इरशाद हो रहा है सूरत यूसुफ सलम्मा अंजाल बशीर अलकाह अलावजी सरतद वसीरा। बात हो रही है वसीले की, पाले था अभी नहीं, पाले था अभी नहीं। वाह भाई वाह। हाँ तो फिर कुरान को भी छोड़ दो ना, पर ये भी तो बात करो, कुरान है कुरान है कुरान है आज नहीं फिर तवज्जो जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही है घबरा तो नहीं गए, मुझे आपसे खौफ है आप ने घबरा जाए। आए चलता हूँ फिर कुरान की तरफ, ये अल्फाज है कुरान के। मैंने क्या कहा जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही है, मैंने कहा ये अल्फाज है कुरान के सलम्मा अंजाल बशीर अलकाहलावजी सरतद बशीर। जैसे ही कासद आया और जनाब याकू के आंखों पर, जनाब याकू के चेहरे पर जनाब यूसुफ कुर्ता रखा तो उसमें बीन आया गए। जैसे ही कासद जनाब यूसुफ कुर्ता लेकर आया और रखा जनाब याकू के चेहरे पर तो उसमें बीन आया गए। या अल्लाह ये इतनी बड़ी बिदअत, नहीं घबरा क्यों नहीं मिलो, या अल्लाह ये इतनी बड़ी बिदअत क्यों। मैं क्या मैं मौजू से निर्णय चाहता जो मौजू से हटकर बात करे उसको मैं खतीब नहीं। वल्लम्मा अंजाल बशीर अलका अल्लाह वजी फरता तबसीरा, जैसे का सुनाया और उसने जनाब यूसुफ कुर्ता जनाब याकूब के चेहरे पर रखा उसमें बीड़ा याद है। या अल्लाह ये बिदअत है, कहाँ कपड़ा कहाँ नबी की आंखें। या अल्लाह ये है तो कपड़ा, या अल्लाह हम किसको, या अल्लाह पाली फसा तो आप पर दें खुदा पर फसा दो। या अल्लाह ये तो बिदअत की बुनियाद हो रही है, कपड़ा यूसुफ का कुर्ता नबी में बिना याद है, यूसुफ मासूम याकूब मासूम। नहीं समझोगे दो घंटे पढ़ूंगा, नहीं समझोगे दो घंटे पढ़ूंगा। कैसे ही कासद आया और रखा कुर्ता जनाब यूसुफ का जनाब याकूब के चेहरे पर तो उसके आंखों में बीना याद है। कहो दो फतवा के कुफर है
घबरा था क्या? अकबर को फतवा लगा तू नबी है, तू नमाज पढ़ दुआ मांगता या आलम से भी नहीं दे क्या अल्लाह जना भैया पूछा मुस्तरा में कर। अरे अल्लाह को दिखाना था कि वसीला तो मौसम का कपड़ा भी हो सकता है। अल्लाह ने कहा लेकिन कपड़े को न दे निस्बत को दे, ये कपड़ा नबी का। अरे यूसुफ के कुर्ते में इतनी ताकत है कि नबी को भी नहीं दे, हम भी कपड़े को नहीं भूलते, कपड़े की निस्बत को देखते हैं। ये कपड़ा अब्बास के लम का है।